सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कार की ब्रोस। तुम सोच रहे हो भाई आज ये एक्सटेंशन बोर्ड कहाँ जा रहा है? तो भाई बहुत टाइम से ना एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई जो अपने कार वॉशर लिया हुआ है उसका एक रिव्यू दे दो कि कैसा है कैसा नहीं है। तो बाकी आज भाई उसी की बात करेंगे। आज तुम्हें चेक करेंगे उसका प्रेशर, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। तो मतलब एक ओवरऑल रिव्यू देने वाला है। जितने टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब उसको लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से इतना एक महीना के आसपास हो गया, उससे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो आज देंगे भाई प्रॉपर रिव्यू उसमें क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। तो तुम लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस अपनी जो गाड़ी है भाई वो भी धुल जाएगी। तो बिना किसी तरीके अपने लॉक को करते हैं स्टार्ट और मिलते सीधे सेटअप के साथ भाई। तो अभी जैसे कि चेक कर पा रहे हो सेटअप के साथ अब आ चुके हैं भाई। बाकी इसका कनेक्शन देना पड़ता भाई यहाँ से, तो कुछ इस तरीके का कनेक्शन दे देना भाई। बाकी कुछ आउटलेट इनलेट का तो मैं समझा देता हूँ। एक इसमें इस तरीके का ढक्कन आता है भाई, ठीक है, ये ढक्कन आता है इस तरीके का, ये ढक्कन को लगता है भाई इनलेट के लिए। बाकी ना इसमें एक बुरी चीज है जो कि मुझे अभी बता देता हूँ। तो ना मैं वीडियो को इस तरीके से बनाऊंगा कि जो अच्छी चीज है मैं उस वक्त बता दूंगा, जो बुरी चीज है मैं उसी वक्त बता दूंगा। अच्छी चीज भाई ये है कि जो उसका जितना भी बजट है ना, उस बजट में भाई ये बहुत पावरफुल मोटर है। इसका जो भाई प्रेशर वगैरह ना भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चेक कर पा रहे होगे भाई, पावर 2100 वॉट और 8 लीटर पर मिनट भाई पानी पी जाती है और 100 से 180 बार का भाई इसमें प्रेशर है और वोल्टेज वगैरह भाई ये सब मेंशन है। तो जितना इसके स्पेक्स है ना, इसके प्राइस हिसाब से भाई ज्यादा है, क्योंकि जितने में ये आता है ना उतने में आई थिंक कि कोई जब प्रेशर वॉशर होगा भाई वो ये चीजें देता होगा, मेरे हिसाब से तो ये, ठीक है, ये चीज का प्लस पॉइंट है। और अब बात करूं बुरी चीज की, बुरी चीज इसमें ये है ना भाई, इसमें ये चीजें ना प्लास्टिक की है भाई ये चीज। तो अगर मैं एक तरीके से देखूं ना, शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर तुम देख रहे हो तो भाई कुछ टाइम पर जो ये प्लास्टिक की चीजें होती है ना, ये हो जाती खराब, क्योंकि खोलोगे बंद करोगे तो जो इसकी चूड़ियां है भाई ये चूड़ी हो जाएंगी बेकार। इस क्रम में भाई ये यूज कम आएगा, मतलब कि जल्दी खत्म हो जाएगा, ये सीन है भाई। तो बाकी भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, तो मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज को लेकर। बाकी टाइट वाइट भी बढ़िया करके हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का भाई ऐसा कुछ सेटअप करना पड़ता है, और उसके बाद ना जो ये इनलेट का पाइप होता है, अरे भाई फंसा पड़ा ये भी, तो इसको भी खोल लेते हैं बाकी पहले। और देखो भाई ये पाइप है, इंस्टॉलेशन तो आसान ही है भाई इसका, और ये पाइप हो गया तो करना कुछ नहीं होता। इसको पीछे को हल्का सा पुल करा, इसको ऐसे डाला और एक ना कट लॉक की आवाज आती है इस पे इसको फिट करने के बाद। अब ये आएगी तो सुनना भाई, अरे भाई मोटर ही खिसक गई, तो कुछ टिक एक क्लिक की आवाज आती है, उसके बाद पता लग जाता है कि भाई ये फिक्स हो गया है। तो कुछ इस तरीके से ये फिक्स हो जाता है। और अपना ये रहता है भाई आउटलेट का, आउटलेट का भी भाई आसानी है इसको, तो भाई सीधे सीधे करना कुछ नहीं होता है। इसको पकड़ो और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लगा के उसको डाल दो अंदर के, पहले सो सेटअप कर लेता उसको मिलता हूँ। तो अभी जैसे कि देख पा रहे हो फाइनली जो अपना भाई आउटलेट का इनलेट का ये हो गया, आउटलेट का ये हो गया, तो करना कुछ नहीं होता भाई। इसको पकड़ो और डाल दो अपने बकेट वगैरह जिसमें भी डालते हो आप, उसमें इसको अगर डाल दो तो, मेरा तो भाई डिग्गी है, डिग्गी में डाल दूँगा मस्त करके मैं। ओहो भाई डिग्गी में भी पानी कम लग रहा है मेरे को आज, मुझे लगता नहीं भाई ये पहुँच पाएगा उसके नीचे, बाकी देखते हैं भाई। तो बाकी अभी फाइनली भाई बड़ी मुश्किल से सेटअप हुआ है इसका। तो अभी फिलहाल तो अपनी गन वगैरह ये रखी हुई है, और बाकी जब मैं इसको गन को प्रेस करता हूँ ना तो कुछ इस तरीके का भाई बहुत तगड़ा प्रेशर आता है इसमें से, और प्रेशर तो भाई यहाँ चेक करवा दो, देखो यार देख रहे हो। और ऑटो कट ऑफ रहता है भाई हर चीज में, कि जब तक ये नहीं तब तक वो ऑटो मतलब कट ऑफ ही रहेगा। बाकी इसका प्रेशर चेक करवा देता हूँ भाई एक बार, ये देखो मतलब बहुत तगड़ा प्रेशर है भाई। मैं तुम ना इस प्रेशर में जो ये निकल लेना पानी का, ये फवारा निकल लेना, इसको तुम डायरेक्ट हाथ नहीं मार सकते भाई, तुम्हारे हाथ में ना कटवट आ जाएगी भाई, मतलब तगड़ा ही है, कटवट तो नहीं आएगी लेकिन इतना आएगी भाई तगड़ा भाई। और ये भाई लेजर लाइट जैसा मारता है, इसका प्रेशर है भाई चेक करवाता हूँ दीवार में, खाली गाली खाऊंगा ज्यादा नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके समझ लो भाई ये ऊपर की लेयर ना आराम से निकाल सकता है, बहुत पावर है भाई। तुम वीडियो में देख के सोच रहे होगे ना कि भाई पावर कम ना हो ये ना हो, भाई आग बंद करे चले जाओ उसकी तरफ, इसमें बहुत ज्यादा पावर है भाई, कोई इशू नहीं भाई। ये देखो ऐसे उड़ जाता भाई, ये देखो ये बाकी भाई ये देख रहे हो केड़ा प्रेशर है भाई बहुत ज्यादा, मतलब एरफ है तुम्हारे लिए भाई। तुम कहोगे ना ये भी ज्यादा हो रहा है प्रेशर, क्योंकि गाड़ी वाड़ी में कोई नहीं मारता इतना ज्यादा भाई। बाकी अगर और दिखाना होगा प्रेशर मुझे कमेंट कर देना भाई, और दिखा देंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि भाई इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा। बाकी देखो काई भाई यहाँ पर पड़ी हुई है भाई, इसमें मार दो भाई, ये थोड़ी देर में तुम देखोगे ना इस तरह प्रेशर जो काई, ये देखो आगे काई है ना, ये देखो तुम ड्रॉइंग कर सकते हो ऐसे जमीन में आराम से। तो भाई ये हाउस होल्ड चीजों के लिए भी, जो भी मतलब घर की चीजें होती है ना, घरेलू चीजें होती है ना, वो भी उसके लिए भी सही होता है। गड्ढा चेक करना भी, उतना थोड़ा गड्ढा कर दे रहा भाई, बहुत प्रेशर है भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तुम यूज ही नहीं करोगे, तुम कहोगे भाई बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, इसको रखो कम ही, इतना यूज आता तो नहीं करो। तो बाकी अभी अपनी करेंगे पल्सर वल्सर वॉश, तो पहले इसको गीला कर लेते, उसके बाद हमने आएंगे अपन लोग अपने इसका जो अपना डिशवॉशर है ना भाई, जिससे वो फोम वगैरह मैं तुम्हें चेक करा। बाकी पहले इसको कर लेते हैं वॉश भाई, अरे भाई बहुत तगड़ा प्रेशर हो रहा है, अभी भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा, इतने में वो प्रेशर सेट करके अब ठीक है भाई, देख रहे हो मस्त करके भाई। तुम कहीं जाना है पकड़ो ये और मार दो पानी गाड़ी पे, इतनी भी धूल मिट्टी है ना भाई पूरी साफ कर देगा। अभी देखो इसमें मकड़ी के जाले वाले लगे हुए हैं, तो भाई लो मार दो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से सब साफ कर देता है।
और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ताकत लग रही है ये करना है भाई, इजी टू यूज है, मस्त करके मारो गाड़ी पे, पूरी धूल वूल सब साफ कर देता भाई ये, मस्त प्रेशर। अभी कहीं मिट्टी उट्टी नहीं चिपकी है ना भाई, मैं तो मिट्टी निकाल के दिखाता फिर तुम्हें पता लगता है कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि मतलब मिट्टी विट्टी सब साफ कर देता भाई ये। मैंने वैसे पिछली जो व्लॉग डाला हुआ है ना उसमें मैंने पूरा बता रखा कि भाई इसका जो प्रेशर अल्टीमेट है बहुत ज़्यादा, उसको देखना जाके, और अगर नहीं देखा है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, बाकी वहाँ चेक कर लेना ठीक है। और बाकी ये देखो भाई भाई हो रहा, तो भाई 2 मिनट का काम है भाई, धुल की गाड़ी देखो, खाली का एक शैम्पू मारना है इसमें, शैम्पू मार के दिखाएंगे तुम्हें बढ़िया करके। इसका ना मेरे पे 2 पड़े हुए भाई वॉशर, जो अपना वो कैनन बोलते हैं ना, फोम कैनन उसको बोलते हैं, वो मेरे पे पड़े 2, एक तो इसी का पड़ा हुआ है और दूसरा पड़ा भाई एक दूसरा वाला ठीक है, वो थोड़ा बड़ा भी और इंपॉर्टेंट भी है, वो क्यों है तुम्हें वीडियो के बीच में पता लगेगा, वो तुम्हें चेक कराऊंगा आराम से। तो पहले अपना जो इसका अपना वाला वो आता है ना जो वॉशर, वो चेक करवाता हूँ कि इससे कैसा फोम बनता है, उसके बाद जो मेरे पास पड़ा है वो चेक कराऊंगा, और तुम्हें चाहिए होगा ना उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बेफिक्र रहो भाई, तुम्हारा भाई सब सॉल्यूशन निकालेगा तुम्हारे लिए कि घर में तुम्हारी गाड़ी भी आराम से धुल जाए, तुम्हारे पैसे बच जाए ठीक है। तो वेट करो, इसका इसमें लगाते हैं इसका डिशवॉशर, सॉरी फोम कैन लगाते हैं इस पे, और उसके बाद तुम्हें चेक कराते हैं भाई इसका फोम। तो भाई मैं अभी इसमें फिट कर दिया अपना यहाँ पर कोई फोम कैन तो नहीं बोलते, फोम बनाने वाला समझ लो तरीके से, मतलब इसके साथ तुम ना कंपेटेबल नहीं हो पाओगे, तुम कहोगे भाई बहुत बेकार चीज़ है, बाकी कुछ यहाँ से भी ऐसी प्रेशर आता है। तो बाकी इसमें शैम्पू वगैरह डालते हैं, और शैम्पू भी भाई तुम कहोगे ना सस्ता वस्ता रख रखा, सब सस्ता नहीं भाई, ये देखो साइन एक्स प्रो का है भाई, ये कम से कम मुझे कॉस्ट किया था भाई 2000 के 2500 के समथिंग कॉस्ट किया था मेरे को, और आपका 2.5 लीटर है ठीक है। तो बाकी इसमें कैसे यूज़ करना भाई, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है तो यूज़ कर लेना। तो बाकी अभी करना क्या है ना, अपन लोगों को इसको रखते साइड पे, ये मेरी वाली फोम कैनन है जो मैंने अलग से मंगाई हुई है, बाकी तुम इसका सेटअप देख लो, और एक बार जो इसमें लगा हुआ उसका सेटअप देख लो भाई, तुम्हें देख के डिफरेंस पता लग जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बाकी करना क्या, अभी इसको शैम्पू है भाई इसमें डालते हैं, थोड़ा वेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं होता, तो शैम्पू इसमें डालते हैं, और मेरे भाई ने बोलता कि भर के डालना भाई, भर के डालेंगे इसमें बिल्कुल प्रॉपर, तो इसको इसमें भरते हैं और उसको तुम्हें चेक कराते हैं इसका रिस्पॉन्स, उसके बाद चेक करेंगे इसका रिस्पॉन्स कि कौन सा फोम कैनन बढ़िया होता है ठीक है। तो भाई अभी दिक्कत आ रही है ना, जो अपना ये वाला फोम कैनन है भाई ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मतलब क्यों अभी चल नहीं रहा है। तो बाकी अभी भाई जो अपना इसके साथ ही आता है ना, तो इसी को चेक करवाता हूँ आपको मैं, तो करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस रहती है, करना कुछ नहीं भाई, अपना जो यहाँ पे क्लिप ये है ना ये हिस्सा है, और एक क्लिप है भाई, ये क्लिप मतलब ऐसे डाल के एक क्लिप को इस पर लॉक करना है, तो उसको लॉक करते हैं उसके बाद दिखाते हैं भाई। तो अभी जैसा कि देख पा रहे हो कि भाई इसमें मैंने कैनन यहाँ पर को फिक्स कर दिया इसकी वाली जो है, और ये वाली कैनन भाई अनफॉर्चुनेटली भाई अभी काम नहीं कर रही, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें, और सुनो तो भाई ठीक काम कर रही थी, लेकिन इसका प्रेशर भाई बहुत तगड़ा है, और इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए दिक्कत कर रही है। तो भाई बाकी इसका भी तुम्हें परफॉर्मेंस दिखाई देंगे ये वाले का, और उसके बाद इसका तो भाई आई थिंक मेरे पे क्लिप पड़ी होंगी, तो मैं क्लिप तुम्हें डाल दूंगा इस वीडियो के बीच में, अगर नहीं होगी तो भाई तो देखना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी तुम इसका दिखाते हैं भाई सीन। ओ भाई अरे भाई कोई थोड़ा सा ना प्रेशर सेट नहीं है इसका, तो प्रेशर सेट करते हैं इसका ठीक है। अरे सब बुरा ही लो हो गया। तो भाई कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाता भाई ये देख रहे हो, कुछ ये है भाई इस तरीके का फॉर्म बनता है इससे भाई, अगर तुम अगर देख रहे हो दिख रहा है इसका, तो मतलब ठीक है भाई इसका फॉर्म भी, लेकिन ये देखो भाई तो कुछ इस तरीके का भाई इसका काम है अपना छोटे छुंतरू का, लेकिन अभी जैसा फोम जैसे इसमें क्या है ना प्रेशर का बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, चक्कर में ना प्रेशर पड़ रहा है फोम के साथ भाई, पानी भी तगड़ा पड़ रहा था, फोम भग जा रहा है, लेकिन जब वो अपनी वाली कैन है ना दूसरी वाली ये वाली कैन है ना इसका बनता है भाई बहुत प्यारा फोम, और भाई थोड़ी एडजस्टिंग की बात होती है, इसको करते थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और देखते हैं भाई कुछ होता है तो, इसमें गोली मार रहा भाई पूरी, ये देखो भाई अब फेंक रहा फोम, बहुत लंबा फोम फेंकता भाई ये वाला, पूरी गाड़ी भाई हमने रंग दी है ऐसे करके। तो बाकी अभी भाई थोड़ा सा थोड़े था ऐसी, तो भाई इतनी देर में इसका फोम ड्रॉप हो जाता है, तो बाकी अपना प्रेशर ऑन करो भाई, अब करना कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल भाई इसका प्रेशर पकड़ के इसको मार दो, आपकी जो गाड़ी भाई रेडी टू गो हो जाएगी इसके बाद बढ़िया करके। अभी जैसा कि देख पा रहा हूँ कि भाई अपनी जो गाड़ी फाइनल धुल चुकी है, तो बाकी तुम्हें मैंने चेक करा दिया इसका जो अपना कंपनी वाला इसके साथ ही जो अपना ये आता है भाई ये किस तरीके से फोम बनाता है, बाकी भाई ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वरना अगर ये ठीक होता ना भाई मैं तुम्हें इसका फोम भी चेक करवाता, उसके बाद तुम कहते भाई क्या फोम बन रहा है भाई इसका।
लेकिन भाई दिक्कत रहेगी जिस वजह से फॉर्म अभी बन नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, देखेंगे भाई क्या सिस्टम बैठता है। बाकी अगर ठीक हो गया ना उसके बाद मैं इसकी वीडियो पक्का लेके आऊंगा भाई। और ये शैम्पू भी बढ़िया है, मुझे नहीं पता भाई इसमें क्या दिक्कत रही है, क्या दिक्कत आ रही है। अली भाई ये पानी फेंकता तो मैं चेक करवाई देता हूँ। तो इस सिस्टम को इस पे इंस्टॉल करने के लिए ना, तो जो पुराना वाला इस पे लगा हुआ था कैनन पे, मतलब अपनी गन पे जो पहले से लगा हुआ था उसको खोलना पड़ता है। और एक ये छोटा सा हिस्सा बीच में देख पा रहे होगा यहाँ पर, वो ये वाला हिस्सा, इसको कसना पड़ता है, इसी में वेपर को नट होता है। और उसके बाद इसको भाई इसे पीछे करके ना कट्टा लॉक हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है। लेकिन भाई ये क्या कर रहा है ना, इसका फोम भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है, लेकिन ये पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बना नहीं रहा है। क्या कर रहा है, खाली भाई पानी फेंक रहा है बस, ये देखो। वरना ये जैसा ये पानी फेंक रहा ना, इसी तरीके से भाई ये फोम फेंकता था, और इतना गाढ़ा फोम फेंकता था भाई पूछो। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है भाई, इसे पानी फेंक रहा, देख रहे हो अभी इतना भरा पड़ा भाई ये। जबकि मैंने बोले के अमाउंट से ज्यादा ही इसमें मैंने शैम्पू डाला हुआ है, इसमें डाल के जो फायदा हो गया भाई, मैं तो सोच रहा था कि इसमें डाल के बर्बाद होगा, लेकिन इसमें डाल के जो बर्बाद हो गया इसको साइड रखते, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है इसकी, ये चीज़ अलग है। तो बाकी अपनी जो वॉशर का भाई रिव्यू था मैंने तुम्हें दे दिया है, रिव्यू एक बार तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। क्योंकि गन है, इसका प्रेशर है, इसका जो भाई बार वगैरह जो भी रहता है, वोल्टेज वगैरह जो भी रहती है, भाई एकदम एक नंबर है। आंख बंद करके ना इसकी तरफ चले जाओ, ये भाई एक नंबर मशीन है अगर बजट के अंदर देख रहे हो तो। और बाकी वारंटी वगैरह भी शायद इसमें एक साल की रहती है। बस मैं एक ही ड्रॉबैक है भाई, जो इसके इनलेट आउटलेट के भाई जो पाइप निकले हैं ना भाई से, ये वाले अंदर जो नट कसते हैं वो भाई प्लास्टिक के हैं। तो थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि भाई अगर इसके भी होते ना मेटल के ना बहुत लंबे टाइम तक चल जाते, लेकिन प्लास्टिक के साथ ना खोल बंद करने में दिक्कत ही होती कि घिस जाती चूड़ियाँ, जैसे करो भाई लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो सकते हैं। और नॉर्मल सी बात है, प्लास्टिक घिस जाता, ठीक है। तो बाकी ये चीज एक ही ड्रॉबैक है, बाकी यार जितना तुम पैसा दे रहे हो उस हिसाब से इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ मेजर प्रॉब्लम है। बाकी थोड़ा सा केयर करना भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। और वॉशिंग वगैरह तुमने देख लिया, प्रेशर अगर तुमने देख लिया, और अगर देखना होगा तो मुझे कमेंट करके बताना भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारी डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी है। तो बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि इसका प्रेशर वगैरह जो भी था भाई रिस्पॉन्स कैसा लगा। तो बाकी हमने लॉक को भी ध्यान करते हैं, आई होप कि इसका प्रेशर और ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे हंसते रहो खेलते रहो, मेरे ब्लॉग से आपसे मिलते हैं आने वाले ब्लॉग पर, तब तक जय श्री राम भाई।